हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हो जीतू इलेक्स। आज मेरे पास बोट रॉकर्स आज मेरे पास है बोट रॉकर्स 425 एयरफोन है। आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आओ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। जरूर बताएं आपको ये हेडफोन कैसा लगा। और ये हेडफोन आपको बाय करना है कि डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। चलो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारे पास बोट रॉकर्स 425 आप हेडफोन मिलेगा। और ऊपर देखा इस तरह से बॉक्स काफ़ी बड़ा हुआ है। ऊपर से डिजाइन भी काफ़ी मेरे को अच्छी लगी है। आपको 40 mm आपको ड्राइवर मिलेगा, बाइट सिग्नेचर साउंड मिलेगा, आपको बेस्ट मोड भी मिलेगा। आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो बेस्ट मोड भी उसमें अवेलेबल है। और टोटल प्ले टाइम आपको 25 hours मिलेगा। और पीछे की तरह काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं आपको। आपको ब्लूटूथ वर्जन V5.0 मिलेगा, काफ़ी अच्छी बात है। और एडेप्टिव फिट मिलेगा, एकदम कंप्लीट फिटिंग मिलेगा। आपका ड्यूल फोन पेयरिंग है, दो फोन आप पेयर कर सकते हो। इजी एक्सचेंज कंट्रोल है। आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। और MRP की बात की आपको 3000 है, इतना है नहीं, आपको 2000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। चलो उसको ओपन कर लेते हैं। साथ में आपको हेडफोन मिलेगा और भी क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपको बोट का स्टिकर मिलेगा, आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा कैसे गाइड करना वो मिलेगा आपको। और एक आपको चार्जिंग के लिए एक डाटा केबल मिलेगा टाइप सी का छोटा। और आपको 1 year वारंटी कार्ड मिलेगा, आपको ऑनलाइन जगह रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये बोट का एक एसेसरी का डायोग्राम आपको मिलेगा। और भी साथ में कुछ नहीं आता, खाली उतना ही आएगा आपको। जैसे हेडफोन देखा था काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा। और ऊपर की तरह आपको ये इस तरह से आपको जाली की तरह आपको डिजाइन दिया हुआ लगेगा। ऊपर आपको बोट का लोगो मिलेगा और नीचे की तरह आपको टाइप सी का आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, ये माइक के लिए रहेगा। और दूसरे हेडफोन में आप 3 buttons आप देख सकते हो, एक आपको मेन बटन रहेगा, एक आपको प्लस माइनस करेगा। ये आपको लाइट इंडिकेटर रहेगी और ये आपको बेस्ट मोड रहेगा। ओवरऑल देखे तो स्पंज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अंदर से भी काफ़ी अच्छी मटेरियल लगता है। और नीचे की तरफ भी आप ऊपर की तरफ आपको स्पंज ये भी काफ़ी अच्छा लगा है। ये आपको एकदम प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा। और डिजाइन की बात की है, डिजाइन एकदम अलग लग रही है, एकदम यूनिक स्टाइल में है। बॉक्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर रियल में ऐसे देख रहे तो इतना मेरे को पसंद आया नहीं। ऐसे लग रहा था अच्छा है, पर इतना जैसा बॉक्स में लग रहा है ऐसा मटेरियल है नहीं। और ज़्यादा उसका वेट भी नहीं है, काफ़ी हल्का लग रहा है, एकदम काफ़ी हल्का वेट है, ज़्यादा वेट है नहीं इसमें। और भी इस तरह से आपको मूवेबल रहेगा, काफ़ी अच्छा है। और भी हेडफोन देखा जाए काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और भी हम ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20 का बटन प्रेस करके रखिए। जैसे आप प्रेस करेंगे आपका हेडफोन ऑन हो जाएगा, होगा इधर लाइट आपको इंडिकेटर दिखाई देगी और हमारा हेडफोन ऑन हो गया है। और आप ब्लूटूथ में जाइए और फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करके चेक कर लिए आपको उसका वर्किंग कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देख सकते बोट रॉकर्स 425 आ गया, आप उसको प्रेस कर लीजिए और पेयर कर लीजिए, हमारा हेडफोन कनेक्ट हो गया है। आपको यूजिंग के लिए कैसा रहेगा मैं बता देता हूँ, म्यूजिक सिस्टम कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको बटन्स वर्किंग कैसा रहेगा बता देता हूँ। आपको सिंगल प्रेस के ऊपर पुश हो जाएगा, वापस सिंगल प्रेस करेंगे तो आपका प्ले हो जाएगा। आपको 1x1x टैप करेंगे तो आपका वॉल्यूम अप हो जाएगा, और माइनस का 1x1x टैप करेंगे तो आपका डाउन हो जाएगा। और आपको 1 second आप प्रेस करके देंगे सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। और प्रोविजन सॉन्ग चाहिए तो माइनस का प्रेस करके देंगे आपका सॉन्ग प्रोविजन हो जाएगा। और कॉलिंग के लिए क्या होगा, आपको 20 बटन से आपको 1 time प्रेस करने पर आप कॉल रिसीव हो जाएगा, 1 time प्रेस करने पर आपको कॉल कट हो जाएगा। और आपको रिजेक्ट करने का तो यही बटन आपको 1 second प्रेस करके रखना है तो आपका कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए तो वॉइस असिस्टेंट के लिए 20 वाला बटन आपको डबल प्रेस करना होगा। जैसे ही डबल प्रेस करेंगे, डबल वाल टैप करेंगे तो आप हमारा वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। हमारा वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो गया डबल प्रेस के ऊपर। और बेस्ट मोड आपको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। जैसे भी आप और ये हेडफोन में अपना बेस्ट मोड ऑन करने का है तो आपको 1 press कर लीजिए। खाली 1 press करेंगे तो हेडफोन से आवाज़ आएगा कि बेस्ट मोड ऑन लिख के बोल के आ जाएगा, तो आप समझ लो हमारा बेस्ट मोड ऑन हो गया। जैसे 1 press करेंगे तो बेस्ट मोड ऑन बताएगा तो हमारा बेस्ट मोड चालू हो गया। आपको लो लेटेंसी के लिए गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इसके लिए। और भी इस हेडफोन में कोई
कंप्लेन हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इश्यू हो रहा है, तो उसको आपको रीसेट करना पड़ता है। हेडफोन रीसेट करने के लिए आपको प्लस का और माइनस का 3 सेकेंड प्रेस करेंगे तो इधर आपको लाइट ब्लिंक होगी, रेड और ब्लू दोनों लाइट साथ में होगी, तो समझ लो हमारा हेडफोन रीसेट हो गया। आपको 3 सेकेंड प्रेस करके रखना है, दोनों साथ में करिए, प्लस और माइनस। जैसे देखिए हमारा हेडफोन रीसेट हो गया, इस तरह से हो गया, समझ लो हमारा हेडफोन रीसेट हो गया। ये आपको पावर ऑफ हो गया, ऑन हो गया, वापस कनेक्ट के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हेडफोन में। और भी उसमें देखा था आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, आपको टाइप सी चार्जिंग करना पड़ेगा। जैसे आप चार्जिंग लगाएंगे तो आपको लाइट रेड कलर की लाइट इंडिकेटर आपको दिखाई देगी, जैसे चार्जिंग इनपुट करेंगे रेड कलर की लाइट आपको इंडिकेटर दिखाई देगी, जैसे फुल हो जाएगा तो इंडिकेटर लाइट्स आपका बंद हो जाएगा। और ये हेडफोन फुल चार्ज होने में 1 आवर्स टाइम जाता है, उसको हेडफोन की आपको बैटरी कैपेसिटी आपको 520 mAh उसमें बैटरी आती है, और 1 आवर्स में आपका भी फुल हो जाएगा। जैसे बैटरी इसकी लो होने वाली आपको स्लोली स्लोली रेड लाइट फ्लैश होती दिखेगी और फुल होएगा, लाइट बंद हो जाएगा। और भी हेडफोन की बात की जाए तो आपको ब्लूटूथ वर्जन V5.2 मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन V5.2 मिलेगा, और दो फोन में आप ये पेयर कर सकते हो एक साथ में, और इसकी कनेक्टिविटी रेंज आपको 10 मीटर रहेगी। और भी हेडफोन चेक कर लेते हैं आपके कान में कितने कंफर्टेबल रहेंगे, आपको एडजस्टमेंट रहेगी, आपको एडजस्टमेंट भी मिलेगा, आपको 4 स्टेप मिलेगा दोनों तरफ एडजस्टमेंट के लिए, और कान में कितने कंफर्टेबल होंगे बता देता हूँ, आपको कैसा भी लगेगा लुक वाइज वो भी बता देता हूँ। आप जो भी एडजस्टमेंट रहेगा फिट करके आप देख सकते हो, इस तरह से आपको फिटिंग रहेगा, फिटिंग का इसमें कोई इश्यू नहीं है, फिटिंग एकदम अच्छा है। और देखो इसका साउंड कैसा, वो भी मैं बता देता हूँ, मैं सुन के इसका साउंड है वो कैसा है वो बता देता हूँ। जैसे देखा है तो बोट का हेडफोन में साउंड को कभी इश्यू नहीं होता है, साउंड काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें आपको 40 mm आपको दोनों में ड्राइवर मिलेगा, दोनों में 40 mm ड्राइवर है, इसके लिए बास काफ़ी अच्छा है और बेस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है मेरे को, तो इसका साउंड काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें आपको बैटरी बैकअप आपको 20 से 25 आवर्स मिलेगा, आपको 60% वॉल्यूम में यूज़ करते आपको 25 आवर्स आपको उसका बैटरी बैकअप मिलेगा, और आप फुल वॉल्यूम में यूज़ करो 20 आवर्स के आसपास आपका बैटरी बैकअप मिलेगा, इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे देख रहे थे हेडफोन काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी देख सकते हो कितना लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा बनाया हो। और आपको भी बाय करने का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उधर से आप बाय कर सकते हो।